अफगानिस्तान वर्सेस ओमान जो दो T20 मैच की सीरीज हुई कल और आज जो दोनों मैचेस यहां पर हुए, इन दो मैचेस की अगर बात करें तो एक सॉलिड जो परफॉर्मेंस है ओमान की तरफ से हमें यहां पर देखने को मिली है। पहला मैच थोड़ा बहुत कंफर्टेबली जीता, लेकिन दूसरे मैच में भी एक हाई स्कोर को 190 के स्कोर को ऑलमोस्ट वो चेस डाउन करने में कामयाब हो गए थे। महज एक शॉट जो कि अगर आप समझ लीजिए रोप के इस पार गिरता तो वो ओमान की जीत तय थी, रोप के थोड़ा सा इस पार गिरा और फील्डर के हाथों में सीधा गया, वरना डेफिनेटली ये मैच जो है ओमान जीत सकता। बहुत अच्छी फाइट, एक स्ट्रॉन्ग फाइट उन्होंने सेकंड मैच में भी दिखाई 190 के चेस में भी, और पहला मैच तो कंफर्टेबली जीता और 1-1 से ये सीरीज बराबर हुई है। दोनों मैचों की रिपोर्ट क्या कुछ रही है एंड पर मैच वन की समरी की बात करते हैं, मैच वन में क्या कुछ घटा। बिल्कुल, अगर हम बात करें मैच वन की तो अफगानिस्तान ए ने वहां पहले बल्लेबाजी की थी और 143 पे ऑल आउट हो गई थी टीम 19.4 ओवरों में, जहां शराफुद्दीन अशरफ ने एक हाफ सेंचुरी लगाई, सैदिक अतल और करीम जरत ने 16 और 15 के रेस्पेक्टिवली स्कोर किए और उसके दम पर टीम ने एक रेस्पेक्टेबल टोटल आप जिसे कहेंगे 144 का टारगेट सामने रखा। बिल्कुल, वहीं अगर आप ओमान के बॉलर्स की बात करें तो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ओमान के जो टॉप विकेट टेकर्स थे वो कौन थे, कल हमने इसके मिसमैच स्कोर शीट भी आपने आपके सामने डाली थी। वहीं जब ओमान चेस करने के लिए आया तो बहुत ही आराम से इस चेस को उन्होंने कंप्लीट किया, जिसे अगर आप देखें लीड किया शोएब खान ने, उसके बाद बात जतेंद्र सिंह ने और उसके बाद खालिद खेल ने, इन तीनों ने लीड किया। ऑलरेडी आप स्कोर वगैरह देख रहे हैं और जो अफगानिस्तान है एक टॉप स्कोर विकेट टेकर्स थे वो भी आप इस चीज में देख पा रहे हैं। ओमान ने 7 विकेट से जीता, बहुत ही कंफर्टेबल जीता था और 1-0 से उन्होंने सीरीज में लीड ले ली थी और आज उन्हें दूसरा मैच खेलना था वापस से। आपको बता दें ये जो मैचेस हो रहे हैं ये सब एससी इमर्जिंग एशिया कप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। आज यहाँ मैच 2 में क्या घटा, एक बहुत ही बड़ा हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिला और अफगानिस्तान ने कल के मुकाबले बैटिंग से आज जोरदार वापसी की। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा टोटल लगाया अफगानिस्तान ए ने, पहले तो 190 रनों का टोटल यहाँ लगाया बोर्ड पर। वहीं उनकी तरफ से जुबैद अकबरी ने एक हाफ सेंचुरी लगाई, करीम जरत ने एक बहुत अच्छी दमदार इनिंग खेली, हम बात करें 22 गेंदों में 44 रन, बहुत जोरदार पारी रही उनकी और टीम ने एक बहुत ही अच्छे स्कोर पर टीम 191 का चेज यहाँ पर ओमान के सामने रख। बिल्कुल, यहाँ पर ओमान के जो बॉलर्स है सुफियान महमूद ने 3 विकेट, हसनैन शाह ने यहाँ पर कहने के 2 विकेट निकाले और बाकी एक और बॉलर ने 1 विकेट यहाँ पर निकाला। जुबैद अकबरी जो बैटिंग में 56 रन मारे हैं आज अफगानिस्तान के लिए, वो आप स्क्रीन पर शायद नहीं देख पा रहे होंगे, वहाँ पर डेफिनेटली इरर है स्कोरिंग में, जहाँ पर आप उसमें करीम जरत की जो 44 है उसके अलावा एक और प्लेयर के 44 है, उनके अलावा एक और ऊपर यहाँ पे प्लेयर आएंगे जुबैद अकबरी जो कि 56 रन उन्होंने मारे हैं, वो भी आगे उनकी इनिंग रही है। उसके बाद जब ओमान इसे चेस करने के लिए आया तो विनायक शुक्ला की अगर बात करें, इन्होंने आज डिस्ट्रक्टिव मोड पर बैटिंग की है, डेफिनेटली इन्होंने ही इस मैच में जान डाली ओमान के लिए और एक ऑलमोस्ट इसे चेस डाउन करने में वो कामयाब हो गए थे। अगर आप बात करें 41 गेंदों में 74 रन की 3rd इनिंग उन्होंने खेली, अयान खान ने एंड थोड़ी सी बॉलें और ज्यादा ले ली, जिस तरह का पिच था आराम से बल्ले पे आ रही थी, शायद 34 गेंदें बहुत ज्यादा हो गई मैच सेटल होने में। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए सेटल होने में ज्यादा वक्त लगा, बॉलें बल्ले पर सही से आया नहीं रही थी, सेटल इन हुए लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा उन्होंने, और एक तरफ था कि विनायक शुक्ला भी काफी अच्छा खेल रहे थे लेकिन उनको भी एक वक्त पर जब वो आउट हुए वो गए तो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बढ़ाना चाहिए था, वो हमें आयान खान से दिखा नहीं और 34 में कम से कम 60 रन जरूर होने चाहिए थे जिससे वो काफी पीछे रह गए। और थोड़ा सा एक कारण जरूर है कि ये ओमान ए जो ये वाला मैच हारा है उसमें आयान खान कहीं ना कहीं एक बल्लेबाजी में एक वजह। बिल्कुल सही कहा आपने, 34 में 60 छोड़िए एंड 34 पे अगर 55 तक भी पहुंच जाते तो भला हो जाता क्योंकि गियर चेंज नहीं कर। बिल्कुल सही कहा आपने, 6 रन से मैच बचे थे, जब गियर चेंज करना था तब वो कर ही नहीं पाए। उसके बाद अफगानिस्तान के लिए जो टॉप विकेट टेकर्स रहे गजन सर ने अपना पोटेंशियल दिखा दिया, आखिर कम से कम यहाँ उन्होंने पोटेंशियल दिखाया, डेब्यू हो चुका है, काफी अच्छा डेब्यू किया है, पहला मैच इतना इंप्रेस नहीं गया उनका ओमान के खिलाफ लेकिन इसमें उन्होंने अच्छा। बिल्कुल, करण जन्नत ने यहाँ पर विकेट निकाला और इंपॉर्टेंट ओवर जो लास्ट ओवर था वो भी करण जन्नत ही कहीं ना कहीं डाला था, तो ओवरऑल 6 रन से इस मैच को जीत कर ओमान ने अफगानिस्तान ने इस सीरीज को 1-1 से बराबरी पर फिनिश कर दिया। ओमान बहुत उम्मीद से था कि 2-0 से जीतेंगे और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ओमान है कि आपको तारीफ करनी होगी, ओमान ने जो परफॉर्मेंस दी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैच 1 में समझ में आता है कभी कभार बहुत टाइम बाद खेलते हैं तो अफगानिस्तान, लेकिन मैच 2 में भी जो फाइट दिखाई विनय शुक्ला के दम पर टीम ने वो डेफिनेटली कमेंडेबल था, जहां पर 190 की चीज में मैच 6 रन से चाहिए हमें। यहाँ को बहुत यंग प्लेयर्स भी हैं, यहाँ पर विनायक शुक्ला को आप देख ले, बुका पत्नम भी है, यहाँ जो बॉलर है सिद्धार्थ बुका पत्नम, तो इस तरीके के कुछ प्लेयर हैं जो नए भी हैं और ओमानी से भी आए हुए हैं, वो ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं
तो काफी बेहतर है, उन्हें भी मैच मिलेंगे, वो भी ऐसे ही उभरेंगे अगर टाइम टू टाइम इन प्लेयर्स को भी मैचेस मिलने में। बिल्कुल, तो फिलहाल T20 सीरीज के रिपोर्ट में इतना ही, और T20 एक ट्रायंगुलर सीरीज होगी इसके बाद 12 तारीख से, उसकी पूरी शेड्यूल कम्युनिटी टैब में है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वेल डन ओमान, बहुत अच्छी फाइट आपने दिखाई, वेल डन बॉय, बहुत अच्छा आपने खेला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।